बछरू तो अब बड़ा हो गया है ना, इसीलिए गाय अब आधा बाल्टी से ज्यादा दूध दे ही नहीं रही है। अब मैं लोगों को दूध कैसे दूंगा, बताओ तो राधा, अब क्या करेंगे? पानी मिलाने के अलावा और कोई उपाय तो दिख नहीं रहा है। कितना पानी मिलाएंगे, लोग क्या क्या कहते हैं? अरे इसके अलावा और कोई उपाय है क्या? थोड़ा ज्यादा पानी मिला दिया हूँ, लेकिन दूसरा उपाय भी तो नहीं है। 10 घर में दूध भी तो देना है, अब खुद मैं दूध तो बढ़ा नहीं सकता, इतने ही दूध में अब सबको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ जी मैना चाची, आज एकदम स्पेशल दूध लाया हूँ, एक बार खाइए फिर बताइएगा। बताओ जरा ये तुम्हारा स्पेशल दूध है? दूध में पानी मिलाते हो या पानी में दूध मिलाते हो? हाँ कल से तुम्हारा दूध नहीं चाहिए हमें, मैं और कहीं से दूध लेकर आऊंगी। हाँ तो नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन इतनी बेइज्जती क्यों कर रही हैं आप मेरा? तरीके अब ये दूध का धंधा छोड़ना पड़ेगा, कुछ और काम करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो फैमिली को खिलाऊंगा कैसे? दूध ले लीजिए दीदी, एकदम असली दूध लाया हूँ। देखो चाचा, तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, फिर भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कल दूध में दूध नहीं पानी था, पानी, पूरा पानी, समझे आप? आज से तुम्हारा दूध नहीं चाहिए। ठीक है। क्या हुआ, आज दूध बिका भी या नहीं? अरे क्या दूध बिका, जो अपमान हुआ है उससे तो अच्छा है भीख मांग के खा लूं मैं, और मैं ये पानी मिलाया वो दूध नहीं बेचूंगा, बोल दे रहा हूँ मैं, समझी? अच्छा सुनो, आज जिन लोगों ने तुम्हारा दूध लेने से इनकार किया है, कल वही लोग लाइन लगा के तुम्हारा दूध खरीदेंगे, समझ लेना मेरी बात। मेरा नाम भी राधा है, जो कहती हूँ सच कहती हूँ। तुम क्या आइडिया सोचा है जी, बताओ तो जरा, तुम ये सब कैसे सोच लेती हो, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ। ए सुनो, गाय के दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस आए हैं। जानते हो मेरा भाई भी इन इंजेक्शंस की मदद से खूब पैसा कमा रहा है, तो तुम भी क्यों नहीं करते हो? ठीक है, दुकान से 1 दर्जन इंजेक्शंस लेकर आओ, उसके बाद घर में दूध की नदियाँ बहने लगेंगी। मेरा भाई बोला, दीदी ऐसा करने से जीजाजी को दूध में पानी नहीं मिलाना पड़ेगा, गाढ़ा दूध, लोग लाइन लगाकर खड़े रहेंगे और तुमसे दूध खरीदेंगे, जाओ जाकर इंजेक्शन लेकर आओ। अरे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, मैं आज ही बाजार से लेके आता हूँ। तुम जाकर गाय को इंजेक्शन लगाओ, मैं चारों ओर देखती हूँ, पर बहुत संभाल के, ये काम संभाल के करना होगा, सावधानी से करना। ऐसा इंजेक्शन लगाया है डॉक्टर भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो फिर कल ही पता चलेगा कि इस इंजेक्शन का क्या असर होता है।
दूध बढ़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। और भी बढ़ेगा, अगर एक इंजेक्शन में ऐसा है तो दूसरे इंजेक्शन में कितना सारा निकलेगा सोचो जरा। बहुत सारा दूध होगा, हम माला माल हो जाएंगे। अब जिस किसी ने भी तुम्हारा अपमान किया है उन्हें जाकर ये बेच आओ, और अगर फिर कुछ बोले तो उन्हें मुंह पर सुनाकर आ जाना, ठीक है? ओ दीदी, अरे दूध का बाटला लेके आओ, मैं आपको दूध देने के लिए आया हूँ। देखो टाइम नहीं अपने पास, बहुत लोग लाइन लगा के खड़े हैं। चाचा, तुम फिर से आ गए, कहा था ना पानी वाला दूध नहीं चाहिए मुझे, समझे ना? मैं पांडे के यहाँ से दूध लेकर आ गई हूँ। हाँ हाँ, ले लिया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस बार मेरा दूध लो और मिला के देखो कि किसका अच्छा है। देख लो क्या मस्त झाग हुआ है, है? एकदम नई गाय खरीद के लाया हूँ घर में, इतना दूध दे रही है कि पूछिए मत दीदी। अरे वाह 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 वाह, कितना गाढ़ा दूध है, पांडे का दूध तो इसके सामने कुछ भी नहीं लग रहा। ससुर जी को मिठाई भी तो खानी है, इसी दूध से मिठाई बना कर दूंगी। इतने से दूध से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, समझे चाचा? नहीं नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा, अभी दूध खत्म हो गया है ना, मैं ना चाची ने 1 बाल्टी दूध ले लिया। ठीक है, कल मुझे 5 लीटर दूध चाहिए ही चाहिए, समझे आप? कह देती हूँ। हाँ हाँ, दे दूंगा, कल सबसे पहले आपको ही दूध दूंगा, उसके बाद किसी को दूध दूंगा। चलो चलो, अब गाय को एक साथ 4 इंजेक्शन देकर देखते हैं क्या होता है, फिर देखना लोग लाइन लगा कर तुम ही से दूध खरीदेंगे। क्या बुद्धि पाई है तुमने गाय का दूध बढ़ाने का क्या बढ़िया उपाय निकाला है तुमने, हा? अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। देखा ना, कितने सारे लोग आ रहे हैं। आज रात 2 और सुई लगाएंगे गाय को, कल तो भीड़ को संभालने के लिए हमें पुलिस बुलानी पड़ जाएगी। क्या बात कर दिया है तुमने। ये लेकर मैं 4 बार बाथरूम गई, हाँ जान निकल गई। जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ, 5 बार जा चुका हूँ, अब 6ठी बार जाना है मुझे। अरे कोई सुनता है, डॉक्टर को यहाँ बुलाओ। आज देख रहा हूँ गांव के आधे से ज्यादा लोग पेट की तकलीफ से परेशान हैं, लेकिन कोई तो कुछ ऐसा खाया नहीं है। कोई तो ऐसी चीज है जो गांव में कई लोगों ने खाई है। कल आपने और माँ ने दूध की बनी हुई मिठाई खाई थी, पर हम लोगों ने वो मिठाई नहीं खाई। सही कहा तुमने, इसीलिए शायद तुम्हारा पेट खराब नहीं हुआ है, तुम्हारी सास और मेरा हाल तो दूध पी के ही खराब हो गया। हो भी सकता है, सब बीमार आदमी दूध पीते हैं। बहन जी, आप लोग दूध किससे लेते हैं? शाम से हम दूध लेते हैं, ये सारी गड़बड़ उसी ने की होगी, पकड़ो उसे। चलो चलो, सब जाते उसके घर पे और धाबा बोलते हैं।
बोल तू दूध में क्या मिलाया है? बोल बोल दूध में क्या मिलाया था? इतना दूध तुम्हें कहाँ से मिला? पूरे गांव को अस्पताल बना दिया तुमने। सच बोल श्याम, तूने दूध में क्या मिलाया था? अरे दूध बढ़ाने के लिए गाय को इंजेक्शन लगा दिया था, अब ये हो जाएगा तो नहीं करता मैं। रोज कितना इंजेक्शन दिया है, सच्ची बता। बोल श्याम, सच बात बोल। पहले दिन एक, दूसरा दिन मैंने 4 और तीसरे दिन में मैंने 6 इंजेक्शन और रात को दिया है 8 इंजेक्शन। आज तेरी गाय जितना भी दूध देगी वो तुझे और तेरी बीवी को पीना पड़ेगा। ए, ए, जा जा के दूध निकालना शुरू कर, यहाँ खड़ा मत रह, जा जल्दी शुरू कर। देख कैसा लगता है, देख देख कैसा लगता है। क्या बुद्धि है तुम्हारी राधा, तुम्हारी बुद्धि पे चल के तो सर्वनाश हो गया मेरा। मैं जो बोलूंगी वो सुनोगी क्या? तुम्हारी खुद की बुद्धि कहाँ गई थी? हाँ बोलो। आज से मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा, हाँ, और किसी दिन गलत काम नहीं करूंगा, गाय को इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। हे ऊपर वाले, हमें बचा ले। इसीलिए कहते हैं गलत काम करोगे तो गलत फल पाओगे।